Good morning students, welcome to your science class. We are on this cells in an organism versus bricks in a building. Okay, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं living organisms के लिए basic structural unit क्या है, cell is the smallest structural unit. अब जैसे आपका एक building है, ठीक है, building है, building में bricks होते हैं, book है, book में pages होते हैं, ठीक है, तो क्या आप bricks के बगैर building बना सकते हैं, क्या आप पेजेस के बगैर बुक बन सकती है? आंसर इज नो. जैसे बिल्डिंग के लिए ब्रिक्स ज़रूरी हैं, बुक्स के लिए पेजेस होना ज़रूरी हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए सेल्स भी होना ज़रूरी हैं, ठीक है. सेल्स आर अरेंज्ड टू मेक एन ऑर्गेनिज्म. सेल्स इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें बिल्डिंग में ब्रिक जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, ऐसे ही बुक में बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो पेजेस हैं, ठीक है. सो दीज आर द comparisons in and cells in an organism or bricks in a building. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, जैसे cells एक organism के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे bricks जो हैं वो building के लिए बहुत ज़रूरी हैं, pages book के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ऐसे ही हमारी body के लिए cells जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. They are the smallest structural unit of our body. Now coming to next is variety in cell number, shape and size. Different organisms होंगे, different number of cells होंगे उनमें, उनमें डिफरेंट शेप्स भी होंगे सेल के और डिफरेंट साइजेस भी होंगे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेल नंबर्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स द ऑर्गेनिजम्स मे बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. नाउ नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो टू टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है. ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर. जिन ऑर्गेनिजम्स में एक सेल होता है दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल यीस्ट है, एमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियन है, यूग्लेना है, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वाई दे आर यूनिसेलुलर, बिकॉज उनमें एक सेल होता है. सिंगल सेल इन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स ऑल द नेसेसरी फंक्शंस. ये सिंगल सेल के जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, ये सारे नेसेसरी फंक्शन सब करते हैं. जैसे ये रेस्पायर भी करेंगे, ये न्यूट्रिशन भी लेंगे, मूवमेंट भी करेंगे, ग्रोथ भी होगा एंड रिप्रोडक्शन भी होगा. Now coming to this is organisms consisting of more than one cell. Now organisms जिनमें एक से ज़्यादा cell होते हैं they are called multicellular organisms. Okay, larger living things are made of millions or trillions of cells. जो बड़ी living things होती हैं they are made up of millions or trillions or billions of cells. For example, all large organisms like cat, dog, fish, frog, elephant, human beings, mango tree, sunflower plant, ये सब जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है. एक से ज़्यादा क्या, लाखों, ट्रिपल बिलियंस सेल्स के हम लोग बने हुए हैं, ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेल शेप्स. सेल के शेप्स क्या होंगे? सेल्स अकर्ड इन डिफरेंट शेप्स एंड दीज प्लेसेस शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस. सेल्स के जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स होते हैं, और जो शेप्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए होते हैं, ठीक है. नाउ फिगर 7.7, 7.9 एंड 7.10 वी विल सी हियर, ठीक है. आप नोटिस करोगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल्स. यहाँ पे देखिए, ये है सिलिएटेड सेल्स, देन वी हैव वाइट ब्लड सेल्स का शेप देखिए, ये मसल सेल हैं, ये हमारे नर्व सेल हैं, ये स्पर्म सेल हैं, ये एग सेल होते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ओके. देन सी हेयर, हेयर वी हैव रूट हेयर सेल, लीव सेल एंड गार्ड सेल. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके. दे हैव डिफरेंट फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द शेप्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज शेप्स. इरेगुलर एज अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स. सेल्स जो होते हैं वो इरेगुलर भी होते हैं, जैसे कि अमीबा में होता है वाइट ब्लड सेल्स. दिन राउंड और स्फेरिकल भी होते हैं लाइक एग सेल्स. ये एग सेल्स लेडीज में होंगे. स्पिंडल शेप सेल्स लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द टू एंड ऑफ लाइक मसल सेल्स. सी स्पिंडल शेप भी होते हैं मसल सेल्स, ये स्पिंडल शेप हो गया. इलोंगेटेड थिन एंड ब्रांच एज द नर्व सेल्स. सी इलोंगेटेड भी होते हैं, थिन भी होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं लाइक नर्व सेल्स. देन वी हैव किडनी और बीन शेप्ड एज द गार्ड सेल्स. ये आपका फिगर 7.10 में है. किडनी शेप हो जाएंगे आपके गार्ड सेल्स. देन लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर एज द मीजोफिल सेल्स इन द लीफ. ठीक है, रेक्टेंगुलर हो जाएंगे एंड लॉन्ग हो जाएंगे, जैसे कि मीजोफिल सेल में, जैसे कि लीफ में. ये आपको फिगर 7.10 में देख सकते हैं आप. डिस्कॉइड और डिस्क शेप्ड एज द रेड ब्लड सेल्स. सी हेयर डिस्कॉइड है या डिस्क शेप्ड है. द शेप ऑफ अ सेल हेल्प्स इन इट्स फंक्शन.
द टेबल गिवन ऑन नेक्स्ट पेज गिव सम एग्जाम्पल्स. नाउ नेक्स्ट पेज पे जो टेबल है दिस विल गिव यू सम एग्जाम्पल्स ओके अबाउट द फंक्शंस. नाउ कमिंग टू दिस सी रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ अ सेल. सी अमीबा सेल और ऑर्गेनिज्म हाउ स्ट्रक्चर रिलेट्स टू फंक्शन. Irregular shape with projections on its body, pseudopodia or false feet helps it to move easily on any side. Also helps in catching food. Now, इसका अमीबा का जो आप सेल देखेंगे वो इरेगुलर शेप का होता है. उसका भी एक फंक्शन है. उसका भी एक कुछ कुदरती तरीके से वो भी एक उसका एक फंक्शन है. इरेगुलर शेप इसलिए है विथ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी क्योंकि ताकि वो ईजिली मूव कर सके किसी भी साइड में. इरेगुलर शेप है उसका और अपने फूड को कैच कर सके. देन नर्व सेल देखिए वेरी लॉन्ग एंड ब्रांच शेप विथ थिन थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस. ठीक है हेल्प्स इट टू सेंड मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द बॉडी. नर्व सेल्स कैसे होते हैं वो थिन होते हैं पतले होते हैं लंबे होते हैं ब्रांच शेप के होते हैं ताकि वो बॉडी के और पार्ट्स को कुछ मैसेजेस भेज सके. ठीक है मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द बॉडी नर्व सेल्स. ठीक है देन रेड ब्लड सेल्स देखिए वो बाइकॉन के डिस्क शेप के होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं मोर सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन. वो और ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑक्सीजन खूब सारा एब्जॉर्ब हम लोग कर सकें. ठीक है मीजोफिल सेल्स लीव्स में होते हैं. लॉन्ग इलोंगेटेड शेप अलाउज फॉर मोर क्लोरोप्लास्ट टू बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल. दिस हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. बाय मीजोफिल्स आर मीजोफिल सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं इलोंगेटेड होते हैं रेक्टेंगुलर होते हैं लाइक द लीफ में होते हैं. सी हियर ये है मीजोफिल सेल. ठीक है शेप्स अलाउज फॉर मोर क्लोरोप्लास्ट जो और ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट को अलाउ कर सकते हैं कि वो इनसाइड द सेल प्रेजेंट रहे ताकि उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिले. ओके सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर. ओके थैंक यू.